तो अब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेटोजेनेसिस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। गैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इसमें दो प्रोसेस शामिल हैं, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा ऊजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, वहीं ऊजेनेसिस के बारे में, ऊजेनेसिस के द्वारा हम ओवम के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। यहां पर डिस्कस करें तो हम देखेंगे कि टेस्टिस और ओवरी वो प्राइम ऑर्गन हैं, वो प्राइम स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ये फॉर्मेशन किस प्रोसेस के द्वारा होता है? यह गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा होता है। तो गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा मेल के टेस्टिस में स्पर्म और फीमेल के ओवरी में एग्स का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा होता है, ओवा या एग का फॉर्मेशन ऊजेनेसिस के द्वारा होता है। तो अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स की बात करें, तो हम देखेंगे कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो हमने स्ट्रक्चर लास्ट लेक्चर्स में जो हमने डिस्कस किया था, उसमें इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उससे जुड़ी हुई कुछ सेल्स होती हैं, बड़ी ही खास सेल्स होती हैं जिसे हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर साइड में कुछ प्रिमिटिव जर्म सेल्स होती हैं। ये ऐसी खास सेल्स हैं जिन जो कि स्पर्म बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिनका नाम होता है स्पर्मेटोगोनियम। हालांकि ये जर्म सेल हैं, जर्म सेल का मतलब आप समझें, वो ऐसी सेल्स हैं जो लगातार डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखती हैं और इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता है। आप जानते हैं ना, सेल्स के डिवीजन के बाद अगली प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन। ये ऐसी इमेच्योर सेल्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ये इमेच्योर जर्म सेल्स हैं। जर्म सेल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये कुछ भी टोटिपोटेंसी रखते हैं, बहुत ज़्यादा क्षमतावान, बहुत ज़्यादा इफिशियंट सेल्स होते हैं ये। तो ये इमेच्योर जर्म सेल्स होते हैं जो लगातार माइटोसिस के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। स्पर्मेटोगोनियम लगातार डिवाइड करके स्पर्मेटोगोनियम ही बनाते रहते हैं। तो ये आप स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर होता है, स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल होता है, ये आप समझ लें। तो ये स्पर्मेटो एक की बात करें तो ये लगातार डिवाइड करके बहुत बड़ी संख्या में अपनी नंबर्स बढ़ाते रहते हैं, यानी स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोगोनियम ही बनते हैं, ये होता रहता है। इसी दौरान कुछ डिफरेंशिएट हो जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, यानी इसी माइटोसिस की प्रोसेस में जहां कुछ स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं उसी दौरान कुछ और अगले स्टेज तक मैच्योर हो जाते हैं और वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाते हैं। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है आपको। उसी माइटोसिस के दौरान ये अपने जैसे शेप के स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसी माइटोसिस से ये थोड़े से डिफरेंशिएटेड सेल्स का फॉर्मेशन करता है, थोड़ा डिफरेंशिएशन आ जाता है। तो अगले सेल्स को अब हम स्पर्मेटोगोनियम नहीं कहते, इन्हीं के बीच से कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो अलग होकर के थोड़े डिफरेंशिएट हो जाते हैं, इसे कहते हैं स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये बना कैसे, ये पूछा जाता है, ये माइटोसिस के द्वारा बनता है। तो अगर स्पर्मेटोगोनियम का क्रोमोसोम नंबर 46 हो तो यहां भी क्रोमोसोम नंबर 46 होता है। अब यहां से शुरू होता है मियोसिस की प्रोसेस। मियोसिस वन होने पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं और ये बदल जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिसकी संख्या दो होती है और क्रोमोसोम नंबर अब 23 हो जाते हैं। आप जानते हैं मियोसिस वन के दौरान क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। अब यहां मियोसिस वन की इस प्रोसेस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। अब अगली मियोसिस सेकेंड की जो प्रोसेस होती है, यहां पर मियोसिस सेकेंड की जो प्रोसेस होती है उसमें वो इक्विवेलेंट टू माइटोसिस ही होती है, जिसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फर्दर डिवाइड करके हर एक से दो दो बनते हैं, यानी टोटल चार स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये पूरी प्रोसेस आप माइटोसिस और मियोसिस की जो घटना होती है सेल डिवीजन में, उसी से लिंक करके पढ़िएगा। इस चीज को अगर आप समझ नहीं पाए होंगे तो इसको मैं अभी ऊजेनेसिस के प्रोसेस में और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पहली बार मियोसिस वन के दौरान
क्रोमोसोम नंबर हाफ करता है और इससे दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। आगे फिर मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस के दौरान यहां पर स्पर्मेटिड्स बनते हैं, चार स्पर्मेटिड्स, हर ये दो जो बने थे हर एक से दो दो बनेंगे तो टोटल चार स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। अब ये अभी भी स्पर्मेटिड्स का शेप बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं हो पाता है, अब ये आपस ये जो स्पर्मेटिड्स हैं अपने शेप में परिवर्तन लाते हैं, अपने शेप में चेंजेस लाते हैं और ये स्पर्म में बदलते हैं। ये प्रोसेस होती है स्पर्मियोजेनेसिस। तो आप समझें स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है और एक है स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है और एक स्पर्मियोजेनेसिस है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम पूरी घटना की बात करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स के बनने तक की पूरी घटना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। वहीं स्पर्मियोजेनेसिस में हम स्पर्मेटिड से स्पर्म्स के बनने की बात पढ़ते हैं। यहां पर आप देखें तो इस इंटरनल एनवायरनमेंट में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन सी घटना घट रही है, उस चीज को यहां पर हम थोड़ा मॉडिफाई करके पढ़ेंगे। आप देखेंगे यही है स्पर्मेटोगोनिया, ये लगातार डिवाइड करता रहता है और इसी में से कुछ स्पेशल सेल्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं, थोड़े से डिफरेंशिएट हो जाते हैं। यही मियोसिस वन एम वन के द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाते हैं और यही एम टू मीन्स मियोसिस सेकेंड के द्वारा ये स्पर्मेटिड्स में बदल जाते हैं। यहां पर अगली प्रोसेस होती है स्पर्मियोजेनेसिस जिसके द्वारा स्पर्म्स बनते हैं। ये स्पर्म्स आपको मैंने बताया था पहले लेक्चर्स में ही कि यहां पर जब आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को जब आप कट करते हैं तो यहां दो तरीके की सेल्स होती हैं, एक सेल्स होती है स्पर्मेटोगोनिया और उससे डिवाइड हो रहे सेल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके आगे के डिफरेंट तरीके से डिवीजन के कारण यहां पर स्पर्म्स बनते हैं। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि यहां पर एक और सेल होती है जो बड़ी खास होती है जिसका नाम हमने बताया था सर्टोलाई सेल्स, हमने क्या नाम दिया था सर्टोलाई सेल्स। तो आपको मैंने बताया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को जब हम कट करते हैं तो इसके भीतर स्पर्मेटोगोनिया होता है और उसके डिवीजन से डिफरेंट स्टेजेस में आगे बढ़ने वाले स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, स्पर्मेटिड्स होते हैं, स्पॉन्स होते हैं, ये इसी के डिवीजन से बनते रहते हैं और आगे ये प्रोसेस चलती है। इसी दौरान यहां पर हम एक और स्ट्रक्चर देखे थे जिसको हम कहते हैं सर्टोलाई सेल्स। तो ये सर्टोलाई सेल्स का क्या काम होता है, ये इन डेवलप हो रहे स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जब ये स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा जो स्पर्म्स बन गए, ये स्पर्म्स सर्टोलाइज सेल से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। अब यहीं पर आप देखेंगे, अभी हमने क्या पढ़ा, यहां से यहां तक की पूरी प्रोसेस थी स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस यहां पर है, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। अगली प्रोसेस होती स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में क्या होता है, स्पर्मिएशन की प्रोसेस के दौरान ये स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलते हैं। ये बात हम लोगों ने देखा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलते हैं और मैंने आपको बताया था ना स्पर्मिएशन की वो प्रोसेस है। आप देखिए सारे टर्म्स मिलते जुलते लगते हैं, ऐसा लगता है हर एक टर्म एक दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन आपको टर्म्स की क्लियरिटी होनी चाहिए, आप इतने कैपेबल होने चाहिए कौन सी बात कहां कही जा रही है। स्पर्मियोजेनेसिस, यहां पर स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। स्पर्मिएशन के द्वारा ये स्पर्म्स बाहर निकलते हैं और जो एसेसरी डक्ट होता है उसके रास्ते से आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात करें तो हमने यहां स्पर्मिएशन तक डिस्कस कर लिया, इस पूरी प्रोसेस में डिवीजन को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के हार्मोनल कंट्रोल के बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, इस बात को समझना होगा। तो हम देखेंगे कि स्पर्म्स के बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है। एट प्यूबर्टी हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जो गाइड करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को। एक्चुअली हाइपोथैलेमस कुछ स्पेशल हार्मोन्स रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये रिलीज करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन जिसको कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और वो
रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को कि ये अब अपने हार्मोन्स निकाले। तो जब ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स के प्रभाव में एंटीरियर पिट्यूटरी अब दो गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज करता है, ये दो गोनेडोट्रोपिन्स कौन से हैं? एक है FSH और दूसरा है LH। इसमें FSH का क्या प्रोसेस होगा उसको हम समझेंगे ही, LH पर चलिए बात करते हैं। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है ये लीडिंग सेल्स पर काम करता है। ये लीडिंग सेल्स होती कहां पर है? हमने लास्ट टर्म पे डिस्कस किया था कि सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बीच बीच में जो ये इंट्रोस्टिशियल जो फ्लूइड होता है, जो यहां पर ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है, आप समझ लें ST का मतलब सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, इसके बीच का जो इंट्रोस्टिशियल जो इन्वायरमेंट है, इस इंट्रोस्टिशियम में कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं जिसे इंट्रोस्टिशियल सेल्स कहते हैं या लीडिंग सेल्स कहते हैं। तो यहां पर कुछ खास सेल्स पाई जाती हैं जिसे हम लीडिंग सेल्स कहते हैं या इंट्रोस्टिशियल सेल्स कहते हैं। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स लीडिंग सेल्स पर ही काम करती हैं। आपने जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस देखा था वो यहां पर देखा था, जिसमें आपने देखा था कि ये स्पर्मेटोगोनिया है, आगे डिवाइड करके स्पर्म बना रहा है, यहां पर सर्टोलाई सेल्स हैं, ये तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के भीतर का देखा था, है ना। यहां पर भी आप देख सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया है, ये आगे मल्टीप्लाई करते हुए जाएगा, यहां पर सर्टोलाई सेल्स हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये सर्टोलाई सेल्स हैं, ये प्रोसेस आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में देखते हैं। यहां पर जो आप देख रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के भीतर स्पर्मेटोजेनेसिस चल रहा है, और जो बीच का जो इंट्रोस्टिशियल जोन है वहां पर लीडिंग सेल्स पाया जाता है। ये लीडिंग सेल्स बड़े ही खास होते हैं, क्यों? मेलनेस का जो सबसे महत्वपूर्ण, मेल का जो सबसे जरूरी जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो इसी लीडिंग सेल्स से रिलीज होता है। तो ये बात आप समझ लें, यहां पर आप फोकस करें, यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो लीडिंग सेल्स है यहीं से रिलीज होता है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का जो इंटरस्टिशियल जोन है वहीं से लीडिंग सेल्स रिलीज करती हैं एंड्रोजन्स को। इसमें सबसे खास होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये हार्मोन सबसे खास होता है, ये हार्मोन्स पूरी की पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं, यानी ये टेस्टोस्टेरोन पूरे के पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। ये टेस्टोस्टेरोन सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस को ही स्टिमुलेट नहीं करता, बल्कि ये पूरे के पूरे जो मेल का जो बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए उसको भी स्टिमुलेट करता है, जैसे मसल्स मजबूत हों, हैवी बोन्स हो, ये आवाज में भारीपन हो, मस्कुलर बॉडी जो स्ट्रेंथ होती है, दाढ़ी और मूंछ का जो डेवलपमेंट होता है, ये पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर, जो ये वाइड चेस्ट होते हैं, ये पूरा का पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर ही गवर्न होता है टेस्टोस्टेरोन से। ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज कहां से होता है? ये टेस्टोस्टेरोन इसी लीडिंग सेल से रिलीज होता है। ये लीडिंग सेल से रिलीज होने वाला टेस्टोस्टेरोन मेलनेस का सबसे महत्वपूर्ण, मेल का, पुरुषों का, मेल के भीतर का सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है। ये पूरी की पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है, और इसके साथ ही साथ मैंने बताया कि मेल का जितना भी स्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी डेवलप करता है। इसलिए प्यूबर्टी के बाद बॉडी में बहुत जबरदस्त चेंजेस आते हैं, किसके प्रभाव में? इसी टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव में। तो टेस्टोस्टेरोन किसके प्रभाव में काम किया? लीडिंग सेल्स से रिलीज होता है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के प्रभाव में काम किया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहां काम करेगा? एल से एल को याद रखिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ये लीडिंग सेल्स पर काम करता है। ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा जो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है वो FSH पर काम करते हैं। तो सर, ये दूसरा जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन रिलीज करता है वो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स सर्टोलाई सेल्स पर काम करता है। सर्टोलाई सेल्स, यहां पर जो सेल्स हमने आपको दिखाया, थोड़ा सा इसको आप जूम करके दिखाएं तो आपको देखे थे कि ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, बीच में जो एक अलग से शेप से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ये जो अलग से शेप मैंने दिखाया कॉलमनर से, ये है सर्टोलाई सेल्स। ये सर्टोलाई सेल्स पर एक्ट करता है और वहां पर स्पर्मियोजेनेसिस को फास्ट करने की प्रोसेस
के लिए इन्फ्लुएंस करता है, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या, स्पर्मेटिड से स्पर्म्स के बनने को तेज कर रहा है। तो यहां पर स्पर्मेटिड से स्पर्म्स तेजी से बने इसके लिए FSH काम करता है। तो ये प्रोसेस हम लोगों ने यहां पर देखा कि किस तरीके से एक हार्मोन टर्मिनल फेज को कंट्रोल कर रहा है FSH, और वहीं LH पूरे के पूरे प्रोसेस को गवर्न कर रहा है। तो ये स्पर्मियोजेनेसिस पर सर्टिलाइज सेल्स पर काम करके ये तेजी से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। आप जानते हैं स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाने में बड़ा ही एक टिपिकल प्रोसेस होती है। तो इस दौरान स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस फास्ट हो इसके लिए FSH सर्टिलाइज सेल्स पर काम करता है। तो ये हम लोगों ने एक हार्मोनल कंट्रोल भी हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं स्पर्म का जो बनना होता है। आप जानते हैं स्पर्मेटिड तक ये लगभग राउंड या स्फेरिकल शेप के स्ट्रक्चर होते हैं। आप इस बात को समझें, स्पर्मेटिड्स तक ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है स्पर्मेटिड्स। उसके बाद ये टैडपोल लार्वा जैसा स्ट्रक्चर स्पर्म का कैसे बनता है, ये स्पर्मियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसके बाद बनने वाला स्पर्म्स कैसा दिखता होगा उसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। एक स्पर्म के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर इसका हेड आप देखें, इसका जो बेसिक पार्ट है उसमें हेड, नेक, फिर मिडिल पीस और टेल, ये यहां तक ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। हेड को जब हम देखते हैं तो हेड के भीतर हैप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, और इसके पास यहां पर देखें तो आगे की ओर एक कवर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एक्रोसोम। ये एक्रोसोम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के दौरान फीमेल का जो ओवा होता है, जो एग्स होते हैं, उसके मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए एंजाइम्स एक्रोसोम के पास ही होता है। तो एक्रोसोम के पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो फीमेल की जो बाहरी दीवारें होती हैं एग्स की, एग की जो बाहरी दीवारें होती हैं उसको पेनिट्रेट करने के लिए एक्रोसोम के पास एंजाइम्स होते हैं। तो ये एक्रोसोम होता है, ये हेड के रीजन में पाया जाता है सबसे आगे की ओर। यहाँ हेड में हैप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। इसके पीछे होता है नेक, नेक के पास में क्या होता है, यहां पर सेंट्रियोल होता है जिसके बारे में एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया। ये सेंट्रियोल का जो हिस्सा होता है, यहां पर जो सेंट्रियोल पाया जाता है ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि आगे हम देखेंगे कि फीमेल में पूरा का पूरा मियोसिस टू अभी हो नहीं पाया है। आगे आप चल करके देखेंगे, अभी कंफ्यूज मत होइए, बस आप समझिए नेक के हिस्से का भी अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। जहां हम हेड में कह रहे हैं, हेड में हम कह रहे हैं कि हैप्लॉयड न्यूक्लियस होता है इसलिए इसका इंपॉर्टेंस हेड का, वहीं नेक का भी अपना इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि इसके पास सेंट्रियोल होता है। ये सेंट्रियोल किस लिए जरूरी है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप बस इतना समझ लें कि नेक का भी अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसके पीछे होता है मिडिल पेस, मिडिल पेस का भी अपना एक इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसके पास कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो कि आप यूं कह लें कि ये बैटरी है, ये बैटरी पार्ट है। आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी के जनरेशन का ऑर्गेनल है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनल है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया यहां मिडिल पीस में खूब सारे पाए जाते हैं। आप एनसीईआरटी की इमेज को देखिएगा, उसमें दिखाया हुआ है कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। सवाल पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया पाया कहां जाता है, मिडिल पीस में पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, पूरे के पूरे स्पर्म्स को प्रोपेल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, वो कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। इसके पीछे एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम कहते हैं टेल। टेल का क्या पार्ट है, ये स्विंगिंग में मदद करता है। मैंने इसके पीछे जो हमने लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली फर्टिलाइजेशन बहुत मुश्किल प्रोसेस होती है। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप एक मैसेज आया था कि जब कभी भी आप घबराते हैं तो आप अपने स्पर्म से प्रेरणा लीजिए जिसने आपको जन्म दिया है। आपको पता होना चाहिए ये व्हाट्सएप पे एक मजाकिया मैसेज आया था जिसमें कहा गया कि जब कभी आप अपने लाइफ में डिसअपॉइंट होते हैं, घबराते हैं, निराश होते हैं तो अपने स्पर्म से इंस्पायर्ड हुई है जिसने आपको जन्म दिया है। आपको बताया था मैंने ना, वो वेजाइना, वो यूट्रस,
वो फेलोपियन ट्यूब, वहां फिर आगे जाकर के स्थमस, स्थमस के आगे एम्पुला, एम्पुला में जाकर के फर्टिलाइज करता है। इतने सारे स्पर्म्स को हराते हुए, इतने मुश्किल भरे रास्ते से गुजरते हुए, तो इतने मुश्किल भरे रास्ते से गुजरने के लिए, इतने सारे स्पर्म्स में से एक को विन होने के लिए, एक को जीतने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा उस स्पर्म को। तो इसीलिए स्पर्म्स के एक्टिवनेस के लिए यहां माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एम से एम आप याद रखें, माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में पाया जाता है। आपको बता दें कितना महत्वपूर्ण होता है, जो सक्सेसफुल जो स्पर्म जो फर्टिलाइज करता है वो कितना जबरदस्त होता होगा, उसका आप अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि हर एक क्वाइटस के दौरान 200 to 300 million स्पर्म्स रिलीज होते हैं। एक क्वाइटस के दौरान 200 to 300 million स्पर्म्स रिलीज होते हैं, और इसमें से कोई एक जाकर के एक को फर्टिलाइज करता है। तो इसीलिए व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया था वो गलत नहीं था। यहां पर आप देखें हर एक क्वाइटस में 200 to 300 million स्पर्म्स रिलीज होते हैं। और कई बार आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनफर्टाइल हैं, उसके पीछे रीजन ये होता है। इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, आप जब MBBS फर्स्ट ईयर में आप एक प्रैक्टिकल करेंगे फिजियोलॉजी में, उसमें आपको देखने का मौका मिलेगा कि बहुत सारे लैब से सैंपल आते हैं, उसमें आप सीमेन की आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, आपको देख करके मजा आएगा कि सीमेन के भीतर कितने सारे टेडपोल्स के जैसे इधर से उधर वाइग्रस मूवमेंट करते हुए स्पर्म्स होते हैं। तो उसमें स्पर्म कितना वाइग्रसली मूवमेंट कर रहा है, इसकी आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन करना होगा। उसका इंपॉर्टेंस ये होता है, लैब से सैंपल इसलिए आपको दिखाया जाता है ताकि आप समझ सकें कि इनफर्टिलिटी के कारण क्या क्या हो सकते हैं। एक्चुअली अगर स्पर्म बहुत एक्टिव नहीं है तो वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। इसलिए ये देखना पड़ता है कि स्पर्म कितना प्रॉपर मॉर्फोलॉजी का है या नहीं है, नॉर्मल उसकी स्ट्रक्चर है या नहीं है, वो कितना वाइग्रस मूवमेंट शो कर पाता है, ये सारी चीजें एज ए मेडिकल स्टूडेंट आपको देखने को मिलेगा। वही बात एनसीईआरटी ने भी शो किया है, हर एक क्वाइटस के दौरान इतने स्पर्म्स निकलते तो हैं, 200 to 300 million स्पर्म्स निकलते तो हैं, इसमें से 60% का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। तो हर एक क्वाइटस के दौरान 200 to 300 million स्पर्म्स रिलीज होते हैं, जिसमें से 60% का नॉर्मल शेप एंड साइज होना जरूरी है, और इसमें से भी 50% के पास वाइग्रस मोर्टेलिटी होनी चाहिए। एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के लिए इसमें से 40% के पास वाइग्रस मोर्टेलिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं ना जहां पर एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होता है वो बहुत मुश्किल भरा रास्ता होता है, वहां तक स्पर्म को ट्रेवल करना है। तो इसलिए ये बात कही जाती है, ये जो डेटा बोला गया है कि 200 to 300 million स्पर्म्स रिलीज होते हैं, 60% की नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए, 40% के पास वाइग्रस मोर्टेलिटी होनी चाहिए, ये डेटा बिल्कुल आप रट लीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसको आप समझ लीजिएगा। मियोसिस फर्स्ट के दौरान क्या होता है, वो कहां से शुरू होकर के क्या बनाता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट क्या होगा, इसको भी आपको समझना होगा। मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस। अब यही चीज आपको पता होना चाहिए, आपको देखना होगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी ऑप्शन दे सकता, नहीं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आफ्टर मियोसिस वन बनता है। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि स्पर्मेटोगोनिया लगातार डिवाइड करके स्पर्मेटोगोनिया ही बनाता है, उसमें से कुछ डिफरेंशिएट होकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाते हैं। तो ये पूरी जो घटना है उसको आप वन बाई वन आप याद कर लें, एनसीईआरटी से उसको देख लें। सवाल बहुत सिंपल पूछे जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है।